त्रिविज मीडिया के सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। लगभग उसको घोषित करना बाकी है, लेकिन जो उनका जो कल होता है वो किस तरह से उसका झुकाव रहा है ये सारा क्लियर हो गया है। जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ने बाजी हासिल कर ली है सत्ता में आने के लिए, लेकिन हरियाणा में जहां कहा जा रहा था कि हरियाणा इस बार कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन सुबह के 11 बजे तक कांग्रेस का जो कल रहा है वो ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस बहुमत से सत्ता में आ रही है, लेकिन 11 बजने के बाद जैसे ही 12 बजने शुरू हुए तो कांग्रेस के परिणामों के भी एक तरह से झुकाव जो है वो पीछे आने लगा और दोपहर तक तो वहां भाजपा पूर्ण बहुमत से आ जाएगी, इस तरह से परिणाम के कल जो है वो दिखाई दिए। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, कांग्रेस का प्रचार जो रहा संविधान के धरातल पर, सामाजिक न्याय की धरातल पर, उन्होंने बहुत सारा सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास भी किया राहुल गांधी के नेतृत्व में, और आखिर तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में आ रही है। कल परसों जो इस संदर्भ में जो भी अंदाज व्यक्त किए गए विशेष चैनलों की तरफ से तो उनमें भी ये कहा गया कि कांग्रेस जीत रही है, सत्ता में आ रही है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जो चुनावी सभाओं में, हर सभा में, चाहे वो विधानसभा की हो, लोकसभा की हो, उनका अपना एक ओहदा उस सभा प्रचार में होता है, लेकिन इस बार वो भी ज्यादा प्रचार पर नहीं जा पाए। लेकिन फिर भी आखिर परिणामों में हम जब देखते हैं तो भाजपा सत्ता की ओर बढ़ चुकी है। क्यों ऐसे परिणाम आए, क्यों ऐसे चौंकाने वाले परिणाम आए, क्या ये अपेक्षाकृत था? हमारे साथ हरियाणा के राजनीति, समाज नीति और अर्थनीति और कृषि नीति, इन सभी पहलुओं पर जिनका अच्छा खासा अभ्यास है, सोच है, विचार है, रणनीति है, ऐसे महनीय अतिथि माननीय SS धम्मी सर का त्रिविज मीडिया में हम पुनः एक बार स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। सर, ये जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम जो आए हैं, क्या इससे आप भी चौंक गए हैं? मैं अगर निष्पक्षता से बात करूं तो मैं बिल्कुल नहीं चौंका हूं। कारण मैं हरियाणा की जो सामाजिक संरचना है उसको जो गहराई से समझता है और जो स्थिति हरियाणा में कांग्रेस में जो अंदरूनी जो फुटवल सिर फुटवल जो हुई, गुटबंदी जो हुई, उसको जो समझता है तो वो ये समझ सकता है कि इसमें ऐसा चौंकाने वाला कुछ है नहीं। अभी लेटेस्ट ट्रेंड अगर देखें या स्थिति देखें तो 48-42 की स्थिति है। बीजेपी अकेले जो है वो 48 सीटों पे लगभग जीतने की ओर बढ़ चुकी है और कांग्रेस जो है वो 38 पर मान के चल सकते हैं और बाकी दूसरे चार हैं, एक शायद BSP आ सकती है। अभी होता क्या है कि हरियाणा में जाटों की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 22% के लगभग है और शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो 20% है और OBC की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 39% और 40% के है, थोड़ा उसको ज्यादा भी हो सकती है, और बाकी में दूसरी जातियां आती हैं। बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली गैर जाट मूव जो है वो पहले से 14 से उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन खुलकर के ऐसा कोई उन्होंने इसका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उनका जो कैडर जो स्ट्रक्चर है हरियाणा में RSS का जो कैडर है, बीजेपी तो मुखौटा है बाकी असली तो RSS ही है, तो उसमें हम देखते हैं कि RSS की कुछ जो परमानेंट जातियां हैं जैसे वैश्य है,
वो परमानेंट आरएसएस के भी हैं तो बीजेपी के भी हैं। मेजोरिटी जो है वो ब्राह्मिन्स की जो बहुमत है वो आरएसएस की भी है तो बीजेपी की भी है। और उनका जो हरियाणा में ओबीसी बड़े पैमाने पर थोड़ा सा अगर एक दो इलाके को छोड़ दें तो बड़े पैमाने पर ओबीसी जो है वो आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे दक्षिण हरियाणा में देखें तो गुर्जर जो है एक बड़ी जाति है, मजबूत जाति है, कुछ इलाकों में जाट भी हैं, कुछ में दूसरे भी हैं। तो इधर वो आरएसएस के भी रेगुलर कार्यकर्ता हैं और उसी तरह बीजेपी के भी वो कार्यकर्ता हैं। दूसरे इलाकों में अहिरवाल जो एरिया है, अहिरवाल जो राव वीरेंद्र सिंह का कभी गढ़ होता था, अभी उनके बेटे का है और अब उनका नाती भी आ गया, बेटे का बेटा है, वो सब खानदान परंपरा से। तो अहीरों में भी बड़े पैमाने पर आरएसएस ने अपने पकड़ बनाई है और बीजेपी ने आज हम देखते हैं पकड़ बनाई हुई है। और जाटों में भी बीजेपी का अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग उनका प्रभाव है, कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत ज्यादा है। तो ये उनका एक मिशनरी जो स्ट्रक्चर है, ट्रेंड कैडर बेस है आरएसएस का, जो बीजेपी के लिए हवा तैयार करता है। बिल्कुल उनकी स्ट्रेटेजिकली रणनीति है हरियाणा की, आप देखेंगे कि इस इलेक्शन में भी उन्होंने बूथ लेवल पर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मजबूत किया, उसको उन्होंने भरोसा भी ज्यादा किया। लेकिन जैसा कि आमतौर पर लोगों ने समझा, मीडिया ने भी समझा कि भाई अब से तो कांग्रेस आएगी हरियाणा में, तो उसका कारण यह था कि ये जो कांग्रेस एकजुट नजर आ रही थी उस समय पर, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस बना, अति आत्मविश्वास बना कि अब तो सत्ता में हम आ गए, तो उनमें फिर ये जो आमतौर पर होता है, जैसे मध्य प्रदेश में भी हुआ, इधर भी है, और जहां भी कांग्रेस का वो होता है तो इस तरह की ये राजस्थान में भी वही हालत हुई, इधर भी वही हालत हुई। तो कांग्रेस में जो सीट बंटवारे के टाइम ही जो अलग अलग जो लीडरशिप है उसमें कंट्रेडिक्शंस जो है ना, जो विरोधाभास एक दूसरे के खिलाफ में वो तलवारें खींचती चली गई, और हुडा का जो बर्ताव है, क्योंकि हुडा के लिए जो दूसरा जो जाट अगर चुनौती बन सकता था तो वो बंसीलाल की जो पुत्र बहु बधू है किरण चौधरी, वो बन सकती थी। तो उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आखिर में वो बीजेपी छोड़ के चली गई। तो वो जो उसका जो असर हुआ जाटों में, भिवानी का जो एरिया है या उधर का बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, और अभी अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो उधर का बड़े पैमाने पर जो वोटिंग है जाटों की वो बीजेपी की तरफ गई है, उसमें उसकी लड़की जीत गई और बाकी भी। तो ये इधर जैसे दूसरा भी इलाका है, सैलिया का इलाका है, या इधर अंबाला का वगैरह का, इधर का जो एरिया है जहां सैलिया का प्रभाव अच्छा खासा रहा है, तो यहाँ सैलिया को अपमानित करने से जो शेड्यूल कास्ट की जो दबंग जाति, जो बड़ी जाति जिसको कह सकते हैं, चमारों की या जाटों की, तो वो पूरे हरियाणा में एक तरीके से वो कांग्रेस के खिलाफ गई हो। आप देखेंगे कि एंटी जाट जो मूव है हरियाणा में वो तो रहता है, वो ओबीसी में भी रहता है, गैर जाट जातियों में, और शेड्यूल कास्ट में भी रहता है। तो इसलिए ये बीजेपी का ट्रेंड जो कैडर है, स्ट्रक्चर बूथ लेवल तक का, उसने इसको बुनाया, अच्छे ढंग से बुनाया, और उससे जो मार्जिन जो वोट है, मार्जिन वोट वो उधर कांग्रेस की तरफ वो बहुत बड़े एरिया में वो उधर खिसक गया। अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट है अभी, वो चमार जाति का है, जाटव जाति बोलते हो उधर उसके इलाके में, दक्षिण हरियाणा में। तो
वो खुद हार गया इलेक्शन, अभी मैं लेटेस्ट में देख रहा था तो वो भी इलेक्शन हार गया। और ये पूरे हरियाणा में कोई यूनिफॉर्म ऐसा वो है नहीं, एक जैसा कोई अगर ट्रेंड आप देखें तो एक जैसा नहीं है। तो ये अलग अलग जो सोशल कंपोजिशन है, सामाजिक जो कंपोजिशन है वो है मजबूत। जो विपक्ष है कांग्रेस, उसने अपने अंदर का जो घर है वो डिवाइडेड कर दिया, और डिवाइडेड हाउस जो है वो तो युद्ध जीत नहीं सकता, तो ऐसा तो कांग्रेस के साथ हुआ। इधर हालांकि देखिए जाटों को टिकट देने में दोनों पार्टियां एक जैसी रही, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, जितना बीजेपी ने दिया लगभग उतना कांग्रेस, कांग्रेस ने 2-3 सीट ज्यादा दे दी जाटों, और ये बट नेचुरल था। ओबीसी को भी अब से कांग्रेस ने पहली बार अच्छी खासी तादाद में ओबीसी को भी वोट दिया, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से कंसोलिडेशन किया गैर वो ओबीसी की जो कमजोर जातियां हैं, बैकवर्ड में मोर बैकवर्ड जो जातियां हैं उनका जो बीजेपी की एक कंटिन्यूस रेगुलर एक जो अजमाई हुई स्ट्रेटेजी हम जिसको कह सकते हैं, शेड्यूल कास्ट में जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में वो गैर महारों को गोलबंद करते, रैली करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। हिंदी बेल्ट में वो गैर चमार शेड्यूल कास्ट को अपने साथ लगाने के लिए वो पूरी ताकत झोंक देते हैं, उसमें आरएसएस का भी रोल रहता है और उनके दूसरे जो संगठन है उनका भी रहता है, और बीजेपी उनको टिकट भी देती है, रिजर्व सीट जो होते हैं तो वो उनको गैर चमारों को, इस इलेक्शन में भी ऐसा ही किया हरियाणा में उन्होंने, तो शेड्यूल कास्ट की गैर चमार जातियों को उन्होंने साथ में लिया। चमार लगभग 11% है हरियाणा में, 9% गैर चमार शेड्यूल कास्ट है। तो गैर चमार का देखें 9% में से अगर उनको 7% भी गया, क्योंकि लगभग सारी रिजर्व सीट उन्होंने शेड्यूल कास्ट की वो गैर चमारों को दी उन्होंने, कांग्रेस ने चमारों को ज्यादा दी। तो लेकिन ये नेताओं का जो बिहेवियर जो रहा, जो हुड्डा का जो रवैया रहा, तो उससे ये क्लियर था कि किरण चौधरी अपने इलाके में जाटों को बीजेपी के साथ लगाने में कामयाब होगी, और जो भी उसका अपना प्रभाव है उसमें वो कामयाब होगी। इधर एक फैक्टर जेजेपी का जो है, जननायक जनता पार्टी जो है दुष्यंत चौटाला की, तो वो अभी अप्रभावी हो गई इस इलेक्शन में, तो उसका जो सपोर्ट बेस था वो सपोर्ट बेस कांग्रेस को नहीं गया, उसके इलाके के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सिर्फ एक वो सुरजेवाला का अगर छोड़ दें तो बाकी का ज्यादातर जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ दिखाई देता है, और उसके कारण अपने हो सकते हैं। वो एक वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे, उनका लड़का लड़ रहा था, पता नहीं पोता था, तो अभी वो भी जो है वो हार गया वो। तो ये पूरे हरियाणा की स्थिति, मैंने जब इलेक्शन से पहले कांग्रेस के अंदर का जो युद्ध जो अखाड़ा जो सजा था, तो उसके बाद ही बहुत कुछ चीजें क्लियर हो गई थी कि अब ये आपस में एक दूसरे के जो कैंडिडेट हैं, जैसे शैलजा के कैंडिडेट को हराने के लिए हुडा के लोग कोशिश करेंगे, हुडा के सपोर्ट के कैंडिडेट को हराने के लिए शैलजा के लोग काम करेंगे, उधर जिसको बेइज्जत किया इन्होंने किरण चौधरी को, उसको जो है बीजेपी में जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो उसके लोगों ने हुडा के सपोर्ट के कैंडिडेट को हराने के लिए काम किया, हालांकि वो बीजेपी में है पर इतने सालों से कांग्रेस में थी तो उसका अपना कांग्रेस में नेटवर्क तो है ही है। तो ये जो कारण है, और बीजेपी का एकजुट रहना पूरे इलेक्शन में, हालांकि कुछ हुआ एक दो सीट पर उनका हुआ, मगर अल्टीमेटली जो है अंत में उन्होंने अपना अपने आप को एकजुट रखा। उनके सीएम ने सभी लोगों से बात की निजी तौर पे, उनके नेशनल प्रेसिडेंट ने निजी तौर पे बात की, कांग्रेस में भी कोशिश की गई, पर कांग्रेस में हुडा जो था, जो मेन फैक्टर था, जो खुद को सीएम कैंडिडेट मान रहा था, उसने निजी तौर पे अपनी तरफ से कोशिश नहीं की कि कांग्रेस को एकजुट रखा जाए, वो नेशनल लीडर करती रही। तो विधानसभा के चुनाव में जो लोकल जो फैक्टर्स हैं, लोकल जो कारण है, स्थानीय जो कारण होते हैं, स्टेट का भी एज ए होल बहुत बड़े कारण नहीं रहते,
अलग अलग कैंडिडेट, अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसीज, अलग अलग जिले में अलग अलग तरह के वो कारण रहते हैं जो प्रभावित करते हैं चुनाव को। तो ये मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, मैं तो मान के चल रहा था कि या तो बराबर की टक्कर रहेगी, नहीं तो बीजेपी अपना जो नेटवर्क है और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, आप सोचिए कि जिसके पास 40 वोटों को तैयार करने की टीम मौजूद हो, उसके मुकाबले के लिए तो फिर उससे ज्यादा ताकतवर नेटवर्क होना चाहिए ना, तो वो नेटवर्क किसी पार्टी के पास नहीं है। ये जो भी कांग्रेस के पास सीटें आई है वो कुछ कैंडिडेट का अपना दबदबा रहा, कुछ उसमें जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जहां जहां प्रभावी रहा, लेकिन जहां जरा भी ढील ढाल कांग्रेस की दिखी वहां बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग जो नेटवर्क है और उनका एक कास्ट कंसोलिडेशन है, जो मैंने बताया कुछ जातियां हैं जो बीजेपी को देती ही देती हैं, बीजेपी को सपोर्ट करती ही करती हैं, और कैपिटलिस्ट जो फोर्सेस हैं आज की तारीख में वो भी बीजेपी के साथ हैं। मीडिया का तो आप देख ही रहे हैं, जो भी नेशनल जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, अखबारों का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो वो सब ज्यादातर क्योंकि जो विज्ञापन से रेवेन्यू कमाने का जो रास्ता है वो तो सरकारों से ही निकलता है, तो वो भी यही कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादातर अभी बीजेपी से अच्छा फायदा उनको नजर आता है। और एक कास्ट है, पर्टिकुलर कास्ट जो है ब्राह्मण कास्ट है, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो करेस्पोंडेंट्स हैं, ज्यादातर जो उनके एंकर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, वो ज्यादातर ब्राह्मण होते हैं। दूसरा एक तो जाति का वो ले लेते हैं, और दूसरी पार्टियों का लेते तो उनको ज्यादा बोलने नहीं देते, तो वो सारा एक कंबाइंड जो उनका जो फोर्स है, इन सारे फैक्टर्स का कंबाइंड जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिनको बोलते हैं, एक संयुक्त जो प्रभाव है, तो वो है। इसलिए मैं कास्ट जो उनका मैनेजमेंट है वो बीजेपी का कांग्रेस से बहुत ज्यादा क्लियर है। उन्होंने सबको अपने स्ट्रक्चर में, संगठन स्ट्रक्चर में, आरएसएस से लेके बीजेपी तक उनको पूरा सम्मान दिया हुआ है, उनको जगह दी हुई है, तो वो पूरी तरह से पूरी ताकत लगा के अपनी अपनी जातियों को वो बीजेपी के साथ जोड़ के रखते हैं। आप बीजेपी के लोग उल्टा सीधा जो भी बोले, मोदी पागलपने की बात करे, वो नल्ला पागलपने की बात करे, कोई और करे, कुछ भी करे, लेकिन वो बहुत ही अपना मजबूती के साथ, क्योंकि वो दबंग जो जातियां हैं वो उनके खिलाफ है, उनका सीधा सा फायदा है। हाँ, सीधा सा है। ओबीसी में जैसे जाटों के खिलाफ ज्यादा है, और इधर शेड्यूल कास्ट में चमारों के खिलाफ जाता है। हालांकि इस इलेक्शन में तो चमारों ने भी बड़े पैमाने पे बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि बीएसपी को केवल 1.5% वोट मिला है और अकेले चमारों की पॉपुलेशन 11% है, तो अब चमार भी बीएसपी को वोट नहीं देते। हरियाणा में तो खैर वैसे भी नहीं था, लेकिन वो ज्यादातर कांग्रेस को देते थे अभी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे भी अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो प्रचार थे, तो ये प्रचारों में शुरू में तो भाजपा ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह हो या भाजपा के जो भी नेता हो, प्रचार में निकले, लेकिन विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में वो प्रचार से गायब भी रहे। कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति भी ये रही कि कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं। सुबह के जो नतीजे, जो परिणाम या कल आ रहे थे आज, तो उसमें भी भाजपा पराभूत होने की कगार पे दिख रही थी। लेकिन क्या वजह हो गई कि कांग्रेस ने इतना माहौल मचाया? और ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, भले ही वो बसपा के चुनाव के बाद में देश में चर्चा में आई हो, लेकिन कांग्रेस ये पहले से ही करती जा रही है सोशल इंजीनियरिंग, कि किसी जात का एक नेता ले लो, उसको चुनाव में खड़े कर दो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, ओबीसी का हो, एक एक नेता ले लो, बाकी दूसरी जातियां तो उनके साथ होती है। तो ये भी सोशल इंजीनियरिंग, अभी बीजेपी ने भी उसमें अपना हिस्सा जमा लिया है। लेकिन ओबीसी जो वोट है, जहां पर हम देख सकते हैं कि योगेंद्र यादव, जो कि बहुत मशहूर चेहरा है हरियाणा का और ओबीसी चेहरा है, बुद्धिजीवी चेहरा है, वो भी अपील कर रहे थे कि केवल जाट ही किसान नहीं है, ओबीसी भी किसान है, और किसान की जो हालत बनाई उसको देख के आप
कांग्रेस के गठबंधन को वोट दीजिए, कहीं ये भी उनका भी अपील नहीं चल पाया। तो क्या मोटी मोटी ये वजह तो आपने गिना ही। योगेंद्र यादव अब कोई फैक्टर नहीं है हरियाणा में। उसका कारण यह है कि उसकी खुद की जो दिशा है, पॉलिटिकल जो दिशा है, वो बहुत ज्यादा कोई स्पष्ट नहीं है और ज्यादा वो प्रभावी भी नहीं है हरियाणा में। बहुत ज्यादा कोई ऐसा एक आंदोलन किसी एक खास दिशा में रखे तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए योगेंद्र यादव का जो राजनीतिक प्रभाव है वो उसकी अपील का कुछ होता नहीं है। आपको मैं जो बता रहा हूं, कांग्रेस भी ओबीसी के साथ गद्दारी करती रही है 1937 से लेकर के जब भारत में पहला चुनाव हुआ, आप जैसे जानते हैं 1937 से लेकर के अभी तक कांग्रेस ओबीसी के साथ गद्दारी करती रही। और ब्राह्मण जो है कांग्रेस का लीडर रहा है, मेजॉरिटी जो जीतने वाले टिकट थे वो उनको दिए जाते थे जनरल, उसमें से मेजॉरिटी। दूसरा उन्होंने लगाया अपने साथ में तो राजे महाराजे जमींदारों को लगाया, कैपिटलिस्ट फोर्सेस को लगाया। तो ये मिलकर के ओबीसी को इन्होंने हमेशा साइड में रखा। कामयाब ये इसलिए हो जाते थे कि ओबीसी खुद में कोई नेशनल फोर्स नहीं बना, कभी भी पॉलिटिकल फोर्स नहीं बना। और पॉलिटिकल तो छोड़ो, स्टेट में भी कोई फोर्स नहीं बना, सिर्फ तमिलनाडु में बना, कर्नाटक में थोड़ा रहा हमने जो देखा, महाराष्ट्र में हमने फिर बाद में, ओबीसी तो नहीं कह सकते, शरद यादव फैक्टर, शरद पवार फैक्टर महाराष्ट्र में कह सकते। तो ये जो कांग्रेस की ताकत जो हुआ करते थे वो ब्राह्मण लीडरशिप के अंदर होते थे। और जब ये शरद पवार या दूसरे जो ममता बनर्जी या जो भी लोकल लीडरशिप है, इन्होंने जब अपना आधार मजबूत किया अपने अपने स्टेट में, तो उनके लिए फिर ये मुश्किल था। और इधर कांग्रेस के लिए इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल था, कांग्रेस चाहती थी कि ये यस मैन बन के रहें। तो वो कांग्रेस का ओबीसी के साथ कभी, एससी के साथ भी कभी ईमानदारी का बर्ताव नहीं रहा, एसटी के साथ भी नहीं रहा। बीएसपी से पहले जब वामसे बनी तो ये चीजें समझ में आई और इन चीजों को ओबीसी में समझाया, इन चीजों को एससी में समझाया, इन चीजों को एसटी में समझाया। अब इनका बेनिफिट लेने के लिए कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, उसके लिए नेशनल लेवल पर कोई पार्टी थी ही नहीं। तो इसलिए क्या हुआ कि बीएसपी कांशीराम जी के नेतृत्व में उस दिशा में बनती नजर आ रही थी, मगर जैसे ही कांशीराम जी साइड हुए या उनकी लीडरशिप खत्म हुई, मायावती की लीडरशिप आई, तो सबसे पहला काम जो आरएसएस ने किया, बीजेपी ने किया, मायावती को मैनेज करने का किया। और इसलिए वो नेशनल लेवल पर एक आइडियोलॉजिकल जो फोर्स जो बन सकती थी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को मिला करके, तो वो प्रोसेस ही खत्म हो गया, वो बात ही आगे खत्म हो गई। तो इसलिए वो चीज जो नेशनल लेवल पर ये ब्राह्मणिकल जो पॉलिटिक्स है उसको चैलेंज करने के लिए जो खड़ी हो सकती थी वो नहीं रही। कांग्रेस क्योंकि धोखेबाजी कर रही थी, तो ओबीसी आज भी कांग्रेस में भरोसा नहीं करता। आप कहीं भी देखेंगे, अभी कर्नाटक में क्या था, कर्नाटक में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने वहां जो ओबीसी की मजबूत जातियां हैं उनको मैनेज किया, उनको मैनेज किया, तब जाकर के वो कांग्रेस वहां पावर में आई और कांग्रेस ने चुनाव को ठीक ढंग से परफॉर्म किया। और वहां उनमें आपस में वो बहुत ज्यादा कोई एक दूसरे को हराने वाली ऐसी हालत नहीं पैदा होने दी। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। अभी महाराष्ट्र का भी इलेक्शन आने वाला है, मैं महाराष्ट्र का भी आपको बता सकता हूं कि महाराष्ट्र में भी वही होगा जो हरियाणा में हुआ है, क्योंकि कांग्रेस हराती नहीं है बीजेपी को, कांग्रेस खुद हारती है, बीजेपी कांग्रेस को नहीं हराती, कांग्रेस खुद हारती है। अपने अंदर जो ये जो जो लीडर हैं वो खुद एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था,
मध्य प्रदेश में वही हालात थे जो हरियाणा में थे, लेकिन वो कमलनाथ इतना घमंडी हो गया, उसको लगा कि अभी तो हम जो है वो बस आ गए सत्ता में, तो उसने सबको जो है जितने वहां लीडर थे या दूसरी जो पार्टियों को साथ लिया जा सकता था उनको सबको अपमानित किया, बेइज्जत किया। वो ऐसे हो गया जैसे कि वो बनी गया सीएम एकदम से, और उसका फिर खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये जो कास्ट फैक्टर है ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, रहता है चुनाव में, संवेदनशील मुद्दा रहता है। तो हरियाणा में भी वही मुद्दा रहा, और बिल्कुल हुड्डा का जो घमंड है या हुड्डा की जो पॉलिटिक्स है उसकी जो आदत है सुप्रीमो बनने की, वो उसने बेड़ा गर्क किया कांग्रेस का। नहीं तो ये कांग्रेस आ सकती थी, और जो आज बीजेपी के पास है वो कांग्रेस के पास जाता। बीजेपी ने बिल्कुल बहुत होशियारी से कांग्रेस की वीकनेसेस को एक्सप्लोइट किया, उसका शोषण किया, और वो कामयाब रही वो फेवर अपना वो जो है ना रिजल्ट देने में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसका जिक्र आपने भी किया कि हरियाणा में जो है, हरियाणा में जब किसान आंदोलन चला जिसमें आप शामिल भी रहे, आपने नेतृत्व भी किया, किसान आंदोलन लगभग 9 महीने चला, लेकिन हरियाणा और पंजाब के जो किसान दिल्ली के दिशा में आए तो उनके जो हालात किए गए वो लगभग हरियाणा सरकार ने किए किसानों के, ये एक बात। दूसरी बात, आपने जिनका जिक्र किया कैपिटलिस्ट जो है, पूंजीवादी लोग है, जो उद्योजक है, उनका हरियाणा में जो एक मकसद रहा है आने वाले दिनों में, तो हरियाणा वो अपने कब्जे में पूरी तरह से उसका जो भी सिस्टम रहेगा, चाहे खेती हो कृषि हो, वो लेना चाहते हैं। तो इसका असर हो सकता है जाट किसानों पे तो पड़ेगा ही, लेकिन ओबीसीओ को इससे क्या फायदा पहुंच सकता है कि ओबीसी समुदाय ने भाजपा को जिताकर अप्रत्यक्ष रूप से वहां के पूंजीपतियों को, यानी वहां पर इन्वेस्ट करने वाले पूंजीपतियों को भी एक तरह से बढ़ावा दिया है। तो ये अर्थकारण की राजनीति भी क्यों नहीं समझ पा रही ओबीसी कम्युनिटी? नहीं, ओबीसी का हरियाणा में जो अलग अलग जो 5-6 डिवीजन्स हैं, जैसे महाराष्ट्र में आपके पास 11-12 डिवीजन्स हैं, हरियाणा में भी ऐसे ही अलग अलग डिवीजन्स हैं, और हर डिवीजन में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अलग अलग जातियों का प्रभुत्व है। जो आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, हरियाणा में किसान आंदोलन का जो मतलब होता है वो होता है जाटों का आंदोलन, जाट आंदोलन। लेकिन जब चुनाव आता है तो जाति जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर बन के उभरती है। जब भी जाट मुख्यमंत्री रहता है हरियाणा में, तो जो नौकरियां हैं राज्य की, जो नौकरियां हैं उनमें ज्यादातर जाटों की भर्ती होती है। अब वो कैसे होती है कैसे नहीं होती वो एक अलग बात है। अभी इस इलेक्शन में भी जो हुडा का प्रभाव वाला क्षेत्र है, ज्यादातर जाटों का ये था कि भाई हुडा मुख्यमंत्री बनेगा तो जो रोजगार है, चाहे वो फैक्ट्रियों का हो चाहे सरकारी तंत्र का रोजगार हो, साथ में लाइसेंसिंग है दुकानों की, बिजनेस की, दूसरे की, तो वो सब रहेगी। और जो जाटों का जो प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर के तौर पे, उसका ज्यादातर फायदा इनको मिलेगा। तो ये एक जाटों का एक जो मत है वो बनता है। आप देखेंगे, मैंने बताया कि जाटों की पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा पूरे हरियाणा पर ले तो 22%, 22%। अब ये जो 22% है, ये कुछ जिले हैं जिनमें बहुत ज्यादा है, कहीं 40% है किसी सीट पे, किसी सीट पर 50% भी है। तो अब ये ऐसी सीट आप मान लीजिए 90 में से कोई 30-40 सीट ऐसी आप निकाल देते हैं, तो बाकी का क्या है? अब अगर कहीं जहां जाट डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका बर्ताव गैर जाटों के साथ कैसा है, उसका गोलबंदी जो है वो उस ढंग से होती है। मान लीजिए कहीं जाट 35% है, तो 65% तो फिर गैर जाट हुआ ना,
तो अगर वहां जाट फैक्टर को लेके राजनीति चलेगी तो वहां फिर ये किसान आंदोलन काम नहीं आता। मैंने जैसे आपको बताया किसान आंदोलन का मतलब हरियाणा में ज्यादातर जाटों का आंदोलन होता है, तो बाकी जातियों का क्या? अब 22% अगर आप लेते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से 22% वोटर एक साथ चला जाए तो फिर बाकी का क्या, 78% क्या करेंगे? अब 78% अगर बीजेपी अपनी तरफ कर लेती है जाटों का डर दिखा करके, तो वो 78% में से अगर मान लीजिए जाति फैक्टर जोड़ दिया जाए कांग्रेस के साथ में, तो आप कितना उसमें से तोड़ लेंगे? 15% तोड़ लेंगे, 20 तोड़ लेंगे, तो भी आपका 22 और 20 42% ही हुआ। तो बाकी का फिर 58% वोट जो है वो तो किधर जाएगा? और वो अगर एक तरफा जैसे इस इलेक्शन में हुआ, एक तरफा अगर रुख अख्तियार कर लेता है कि ये जाट आ गए तो ये तो फिर जीना मुश्किल कर देंगे, सारी नौकरियां ये खा जाएंगे, जैसा उत्तर प्रदेश में अहीरों के यादवों के साथ होता है, जैसा बिहार में अहीरों के यादवों के साथ होता है, जैसा महाराष्ट्र में आप मराठों के साथ होता है, गुजरात में पाटीदारों के साथ या पटेलों के साथ होता है। ये हर जगह आप देखें पूरे देश में स्टेट लेवल का जो इलेक्शन है वो पूरी तरह से जाति पर आधारित है। आप दूसरा कोई भी फैक्टर आप करते रहिए, हकीकत में वो बहुत ज्यादा रोल अदा नहीं करता। चुनाव में 80% भूमिका जाति अदा करती है। और बीजेपी ने जैसा मैंने आपको बताया इस इलेक्शन में गैर चमार शेड्यूल कास्ट को घेर किया, अपने साथ लगा दिया। अब 9% कम तो नहीं होता, 9% एक साथ इकट्ठा। ऐसे ही जनरल सीटों पे अहीरवाल में अहीरों का दबदबा करने के लिए राव वीरेंद्र सिंह का लड़का पहले ही उनके साथ, और भी है गुड़गावा में या दूसरे इलाकों में देखे तो अहीरों का जो ज्यादातर सपोर्ट उनको बीजेपी को जा रहा है, क्योंकि उनकी लीडरशिप जो है अहीरों की जिसको वो मानते हैं वो बीजेपी के साथ है। और जाटों का मैंने एक दूसरा फैक्टर आपको बता ही दिया, तो वो जो जो आप जो सोच रहे या लोग अगर कहीं कंफ्यूजन में हो कि जाट किसान आंदोलन की वजह से जाट बीजेपी से खपा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब चुनाव में कैंडिडेट जब खड़ा होता है, विधानसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं, तो जाति सबसे बड़ा फैक्टर है, उसका कोई भी विकल्प नहीं है, जाति का कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए भिवानी का जो एरिया है जहां बंसीलाल की लड़की को हुडा ने जैसे अपमानित किया, उसकी बातें नहीं मानी गई, उसकी सलाह नहीं मानी गई, उसको वो तवज्जो नहीं दी गई, अहमियत नहीं दी गई, तो वो बीजेपी में चली गई। और उसके जाते ही जो है उसका इलाका ज्यादातर जो है बीजेपी को चला गया। जाटों की बात कर रहा हूँ, दूसरे तो जो गए वो लेकिन तो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जहां पर मोदी और शाह इन दोनों राजनेताओं की जो राजनीति है पूरे देश में, हम देखते हैं कि किसान जाति जो हर स्टेट में है, चाहे वो गुजरात में पाटीदार हो जिसका आपने जिक्र किया, पंजाब हरियाणा में जाट किसान हो, उत्तर प्रदेश में भी वो होते हैं, महाराष्ट्र में मराठा होते हैं, मध्य प्रदेश में पाटीदार होते हैं, तो लगभग किसान जातियों के फेवर में इतनी नहीं दिखती उनकी पॉलिटिक्स, लेकिन ओबीसी के फेवर में अगर दिखती है तो ओबीसी के संदर्भ में उन्होंने जाप की जनगणना करने से अब तक इनकार ही किया है, इनकार ना भी किया हो खुले तौर पे, लेकिन वो करने को राजी नहीं दिखते हैं। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात कि उनके मंत्रिमंडल में चाहे वो ओबीसी मंत्री बहुत ज्यादा संख्या में ले भी लेते हैं, लेकिन उनके पास न कोई पावर होती है न कोई अधिकार स्वतंत्रता होती है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, तो इस लिहाज से। और दूसरी जो बात है कि ओबीसी के संदर्भ में जो सवाल उठे हैं सामाजिक तौर पे इस दौर में, तो वो समझाने में ओबीसीओं को ओबीसी नेतृत्व भी काफी कम पड़ा कि ओबीसी ने ये तय ही कर लिया है कि हमें कांग्रेस के साथ जाना ही नहीं है, खासतौर पे क्या है? नहीं देखिए, कांग्रेस का मैंने बताया 1937 से आज तक का आप इतिहास देख लीजिए, अभी तक का देख लीजिए, आज जब हम डिस्कस कर रहे थे तब
अगर मैं पूछूं कि नेशनल लेवल पर कांग्रेस के पास ओबीसी की कितनी जातियों के लीडर है, तो न तो आपके पास कोई जवाब होगा ना मेरे पास होगा, क्योंकि है ही नहीं। और जब वो उनके लीडर ही नहीं है तो वो कांग्रेस में भरोसा कैसे कर सकते हैं? बीजेपी के पास है। अगर बीजेपी से ये सवाल किया जाए तो वो एक तो रोध होके नाटक करके वो नरेंद्र मोदी खुद ही अपना ओबीसी ओबीसी करता रहा। जनसंघ का जो फाउंडर प्रेसिडेंट था आरएसएस ने ओबीसी बनाया, आपको मालूम है बलराज मदोक के बारे में, मध्य प्रदेश का था वो और वो ओबीसी था, तो उन्होंने ओबीसी को राजनीति में पकड़ने के लिए शुरू से ही रणनीति बना के उनको बाकायदा लीडरशिप देके कोशिश की। मध्य प्रदेश में आप देखिए उमा भारती थी, अब उमा भारती का जो असर है लोधो में वो खाली मध्य प्रदेश तक तो था नहीं, जब लोधो में ये मैसेज गया भाई उमा भारती हमारी है, फिर कल्याण सिंह को उन्होंने उभारा, कल्याण सिंह को उभारा तो कल्याण सिंह ने ओबीसी को बड़े पैमाने पे बीजेपी के साथ जोड़ा। ऐसे ही दूसरे जो भी बीजेपी में ओबीसी लीडर, अभी शिवराज सिंह चौहान है वो भी ओबीसी का आदमी है तो है उनके पास बताने के लिए, लीडर है, मुख्यमंत्री रहा इतने सालों तक मध्य प्रदेश का, उमा भारती मुख्यमंत्री रही। तो वो जो ओबीसी की लीडरशिप है कांग्रेस ने कभी नेशनल लेवल पर लोगों के सामने लाई नहीं, ना उनको उभरने दिया। ईमानदारी की बात कांग्रेस की यह है, ओबीसी के साथ कांग्रेस ने कभी उनको लीडरशिप का जो एक प्रभाव, जो इज्जत है, सम्मान है, ऐसा दिया नहीं, और आज तक वो चल रहा है, वैसा ही चल रहा है। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ। बड़ी रणनीतिक तौर पर कहें, कुछ भी कहें, हरियाणा में जैसे राव वीरेंद्र सिंह का वो लड़का है तो वो है उनके पास हरियाणा के लिए, और वो अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ रखता है ओबीसी के ऊपर। दूसरा जो मैंने जैसे बताया दबंग जातियां जहां भी हैं, बीजेपी ओबीसी की कमजोर जातियों को उनका डर दिखाती है और वो अपने साथ लगाती है और उनको संगठन में जगह भी देती है, उनको लीडरशिप भी देती है, उनको टिकट भी देती है। तो वो उनके अंदर कांग्रेस का जब वो कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो उनको बीजेपी पे ज्यादा भरोसा उनका बनता है। अब ये मुद्दे जो है, जो भी है, आप आंदोलन चलाओ कुछ भी करो, वो मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो अपनी जगह है। और बाकी जो फैक्टर्स हैं, तो जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन जो सिस्टम है, अब वो राशन व्यवस्था महिलाओं को मुखिया बनाया, हालांकि वो कांग्रेस के समय से ऐसा किया था उन्होंने, लेकिन आज वो इलेक्शन के ठीक पहले फटाफट फटाफट वो मिलता है। अभी जैसे 2000 का किसानों का था, दो दिन पहले दिया ना बीजेपी नरेंद्र मोदी ने, अब 5 को वोटिंग हो रही है, वो दो दिन पहले वो 2000 रुपए रिलीज कर देता है। तो आपका जो किसान आंदोलन है वो उस पर भारी पड़ता है। ऐसे ही जो बुजुर्गों की पेंशन है या जो भी वो देते हैं, तो वो उन्होंने इलेक्शन का मौका देख करके वो सब बढ़ाया, जो भी किया पेमेंट किया वो सब किया। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही किया था शिवराज सिंह चौहान ने, सारी जो जैसे एक हफ्ते पहले वो सारा कर दिया, अब एक हफ्ते पहले किया तो वो लोग कहां भूलेंगे इलेक्शन के टाइम तक। तो ये जो ओबीसी की जो स्थिति है, जैसे आप देखिए कांग्रेस में लीडर कौन रहे, ज्यादातर ब्राह्मण रहे, मुसलमानों में जो लीडर रहे वो उन जातियों के लीडर रहे जो दबंग जातियां हैं मुसलमानों, चाहे शेख हो चाहे पठान हो। आप मुसलमानों में जो बैकवर्ड मुस्लिम है, कांग्रेस में कभी लीडर नहीं रहा। आप ठाकुरों ठाकुर लीडर रहे, राजे महाराजे लीडर रहे, ओबीसी तो कहीं नजर ही नहीं आया कोई नेशनल लीडरशिप पे, ना उन्होंने उभरने दिया और उनको अपमानित किया। तो ओबीसी ने जगह जगह रीजनल लेवल पर अपनी अपनी पॉलिटिक्स स्थापित की, लेकिन नेशनल लेवल पर जो ओबीसी को लीडरशिप दी है बीजेपी ने दी है,
तो उनका भरोसा कांग्रेस के सीधे मुकाबले में ओबीसी का, जो कमजोर जातियां ज्यादा बैकवर्ड जातियां उनका बीजेपी की तरफ ज्यादा बन जाता है। इसकी काट आज भी कांग्रेस के पास नहीं। वो बीएसपी बन सकती थी, पर वो मायावती के बीजेपी प्रेम कहें या जो भी गलत नीतियां कहें उसकी वजह से वो चीज बनते बनते वो रह गई। पीपीआईडी बन सकती है, नेशनल लेवल पर सपोर्टिंग नेटवर्क है, फीडबैक है, मगर पीपीआई अभी जैसे हरियाणा में हम देखेंगे, अब 12-13 सीटों तक तो मुश्किल से वो इलेक्शन ही लड़ पाए, वो तो क्या स्टेट पर वो फैक्टर बन सकता। राजनीतिक जो दौर है अभी जो चुनाव हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूंजीपतियों के पक्ष में चले जाते हुए नजर आ रहे हैं, पैसा बहुत चल रहा है। और ऐसे में आपने जो जिक्र किया कि हरियाणा में 11% जो दलित वोट है वो लगभग भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है, तो न विचारधारा है न कोई विचार है, तो कहीं ना कहीं ये पैसों से जाने वाला वोट है या कैसा है? यानी क्या कांग्रेस से गुस्सा एक समझ सकते हैं, लेकिन असली तौर पे क्या परिणाम क्या है ये? वो आपकी बात ठीक है, देखिए राजनीति के लिए बिना पैसे के काम चलता नहीं, ये तो सत्य बात। तो पैसा जिस पार्टी के पास ज्यादा रहता है उसका चुनाव मैनेजमेंट प्रबंधन कहिए, प्रचार कहिए, कार्यकर्ताओं को ज्यादा ताकत के साथ चुनाव में लगने के लिए कहिए, तो जाहिर है जहां ज्यादा पैसा होगा वहां ज्यादा जो है सुविधाएं दी जाएंगी। अब चुनाव आयोग तो ऊपरी तौर पर मॉनिटर कर सकता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर चुनाव आयोग क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा किसी का? तो पैसा तो वो होता ही। कुछ लोगों ने ऐसा इल्जाम लगाया था कि हरियाणा में 61% मतदान हुआ है लेकिन चुनाव आयोग ने जो 67% बताया, ऐसा कुछ हुआ है क्या कि कुछ लोगों ने जो बताया हुआ है? हाँ ऐसा देखिए आरोप तो लगा रहे लोग, अब वो कितने सच है कितने नहीं है वो जब आंकड़े आएंगे, वोटिंग के जब आंकड़े आएंगे उनका एनालिसिस होगा, तो उसमें से वो निर्णय जो है वो निकल सकते हैं कि ये कितने सही है। पर मैं तो देखिए अगर निष्पक्षता से आप देखें, ओबीसी का नॉन दबंग जातियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, कम से कम में ज्यादा नहीं हरियाणा में भी अगर आप ले लें तो ये गैर जाट जो वोट है जो जाटों के खिलाफ जाने में ज्यादा अपना भला समझता है वो कम से कम बता रहा हूं आपको 30% वोट है। अब 30% वोट साधने के लिए अगर बीजेपी हर स्तर से कोशिश करती है और उसमें से 20 भी अगर ले जाती है और इधर 9% गैर चमार शेड्यूल कास्ट को ले जाती है, आप ईमानदारी से सोच के देखिए 29% हो गया, 29%। बाकी उसका जो बेसिक जो वोट है वो तो है ही ना, तो आप कैसे उसको इल्जाम लगा करके हरा सकते हैं? आप दिल्ली का देखिए, अभी दिल्ली का इलेक्शन आने वाला है फरवरी में, दिल्ली में कांग्रेस बीएसपी दूसरी पार्टियों का वोट इकट्ठा हुआ आपके साथ, बीजेपी का वोट कम नहीं हुआ, बीजेपी की सीट कम हुई लेकिन वोट कम नहीं हुआ। आपकी जो एकदम से इतनी आंधी तूफान दिल्ली में जो आया, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस एक बड़ी ताकत हुआ करती थी, दिल्ली में बीएसपी का कभी 14% वोट होता था और दूसरी जो भी पार्टियां हैं अपना अपना इलाका था उनका, तो वो भी अपना वोट बैंक था, कम्युनिस्ट कहें, समाजवादी पार्टी कहें, दूसरी पार्टियां कहें, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक जो है वो कम नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि उसका एक ठोस जो है हमेशा साथ रहने वाला एक वोट बैंक है, और ये जो मैं बता रहा हूं जिसको मैनेज करने वाला जो वोट है, तो अगर 29% मैनेज किया और अगर 25% उनके पास है, 20% उनके पास है, तो 50% 55% तो वैसे ही बन जाता है। अब आप आरोप लगाएं कुछ भी करें, अरे कांग्रेस ने कितने ओबीसी को लीडर बनाया, इसका जवाब है क्या कांग्रेस के पास? बराबर बराबर, ये सही सही है, सही क्वेश्चन भी आपका, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ।
तो हालांकि अभी दो टर्म तो बीजेपी सत्ता में रही हरियाणा में भी, अभी ये लगभग तीसरी टर्म है। तो ये तीसरी टर्म के सत्ता के आने के बाद आप वहां की सामाजिक स्थिति का आकलन कैसा करते हैं? देखिए इसमें गैर जाट जो उम्मीदवार हैं, एमएलएज हैं, वो बीजेपी के पास ज्यादा है, और जाटों का जो एक कंट्रोल जो सरकार पर रहता था, जैसे पिछली सरकार में भी वो उप मुख्यमंत्री बनाया था, तो उसका अपना एक दखलंदाजी तो रहती थी, वो कितनी चलती थी नहीं चलती थी वो एक अलग बात है। पर इस रिजल्ट से, इस विधानसभा में वो रुतबा जो जाटों का जो सरकार पर रहना चाहिए वो नहीं होगा। तो बीजेपी खुलकर के अपनी नीतियों को लागू कर पाएगी। अब वो नीतियां पूंजीवाद से प्रभावित होंगी, ब्राह्मणवाद से प्रभावित होंगी, वैचारिक तौर पर वो अंबेडकरवादी आंदोलन के खिलाफ होंगी या जाटों की ताकत को कमजोर करने वाली होंगी, वो तो एक अलग मसला रहेगा। मगर हरियाणा का जो असर है, अगर इन्होंने यहां कुछ गलत किया तो जाहिर है कि अभी आने वाले, क्योंकि हरियाणा का असर दिल्ली पर सीधा पड़ता है और हरियाणा का असर झारखंड पर भी पड़ेगा, महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। तो बीजेपी जो है वो ऐसा कोई सरकारी तौर पर कोई ऐसा कदम या ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करेगी कि जो गैर दबंग जो जातियां हैं ओबीसी की वो नाराज हो जाए, या जो गैर चमार जातियां शेड्यूल कास्ट की वो नाराज हो जाए, क्योंकि उनको अभी महाराष्ट्र में गैर महार शेड्यूल कास्ट को इकट्ठा करना है, महाराष्ट्र में गैर मराठा ओबीसी को उन्होंने इकट्ठा करना है। तो वो हरियाणा से ये संदेश देना चाहेंगे, दिल्ली में भी वो संदेश रहेगा और झारखंड में भी वो संदेश रहेगा। तो इसलिए ये ऐसी कोई हरकत करेंगे नहीं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन देखते हैं, जल्दी ही सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये हरियाणा का विधानसभा चुनाव के परिणामों पर जिस तरह से विस्तार से और काफी विश्लेषणात्मक सामाजिक तौर पे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।